रुपए? मीना, इसलिए तो मैं तुम्हें लेने आया हूं। चलो मेरे साथ। पर नीचे बहुत पैरा है। कोई पैरा वैरा नहीं, चलो। वो राजा की तबीयत बहुत खराब है, बेहोशी की हालत में मीना मीना पुकार रहा है, इसका जाना बहुत जरूरी है। हाँ माँ, प्लीज। क्या सोच रही है माँ जी? जाने दीजिए इसे, कहीं कुछ अनर्थ ना हो जाए। जा बेटी, जा। चलो। राजा, राजा आंखें खोल, देख मैं तेरी मीना को ले आया। पुलिस स्टेशन? जी। देखिए, मैं सेठ परसराम बोल रहा हूँ। एक बदमाश मेरी लड़की को घर से भगा के ले गया है। क्या नाम है उसका? मोटर मैकेनिक अजय। कम ऑन। सुनो, वो यहीं कहीं छुपा हुआ है, ढूंढो उसे। ये क्या हालत बना रखी है आपने? मेरी बेटी सो रही है। दरवाजा खोलो। पुलिस, पुलिस मुझे ढूंढ रही है। दरवाजा खोलो। खूनी अजय पुलिस की लॉकअप से भाग गया है। क्या आया? क्या यहाँ पर कोई नहीं आया इंस्पेक्टर? कोई नहीं आया।
मेरी बेटी सो रही है, सोने दो उसको, जाओ चले जाओ। चलो कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा, अब सब रुट गए मुझसे, मैं बिल्कुल अकेला रह गया, बिल्कुल अकेला रह गया इस दुनिया में। मुझे ऐसे मत देखो मेजर, तुम सोच सकते हो कि मैंने तुम्हारी बेटी का खून किया है। नहीं नहीं बेटा नहीं, तू मेरी बेटी का खून क्यों करेगा? एक भाई अपनी बहन का खून क्यों करेगा? जिस दिन भाइयों ने अपनी बहनों का खून करना शुरू कर दिया, दुनिया खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। शांत हो जाओ मेजर। मेरी बेटी ने किसका क्या बिगाड़ा था बेटा? क्यों मेरी बेटी को मार डाला, क्यों मार डाला? तुम फिक्र मत करो मेजर, जिसने भी तुम्हारी बेटी का खून किया है मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हाँ मेजर, हाँ कसम है मुझे तुम्हारी बेटी की, मैं उस कातिल को तुम्हारे कदमों में लाकर डाल दूंगा, कसम है। मस्ती आ जाएगी मेरी जान। ये क्या बदतमीजी है? कह रहे हो तुम? सुधीर मारा गया? सुधीर क्या, अगर यही हाल रहा तो एक दिन एक एक करके सब मारे जाएंगे। आप जानते नहीं सर, मैं अजय को जानता हूं, वो सरपिरा बचपन से जानता हूं उसको। उससे बचने का एक ही तरीका कि आपकी और मीना की जितनी जल्दी हो सके शादी हो जाए, क्योंकि एक बात तो है वो सब कुछ करेगा मगर मीना के सुहाग को मिटने नहीं देगा। हाँ। आप शादी कर लीजिए सर। हाँ। शादी कर लीजिए। हाँ भाई, भाई क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे? बात कुछ ऐसी है मीना के पिताजी, उसकी शादी सेठ जी कमीने बेटे विक्की के साथ जबरदस्ती करने जा रहे हैं, वो भी 24 घंटे के अंदर अंदर। अब क्या करेंगे? चल चलो। तुम दोनों कौन हो? हाय अल्लाह, अरे मर्दूत तू हमें नहीं जानता, मैं हूं नफीसा, ये हफीसा, हम दोनों शरीफा दर्जन की बेटियां हैं। अरे अरे इधर नहीं, उधर लेना है। उधर लेना है? हाँ। अरे तू जहाँ कहेगी वहाँ ले लूंगा, ले लूंगी। अरे कमाल है, उसमें क्या फर्क पड़ता है? अरे लेकिन यहाँ किस लिए आई हो? वो क्या है कि मीना मेन साहब का नाप लेने आए हैं। शादी का जोड़ा जो बनाना है हमने। अरे तूने शादी किया नहीं, करेगा शादी, मनाएगा सुहाग रात मेरे साथ, आके लेती हूँ तेरा नाप। आजा बहन आजा, चल चल चल। पहुंची हुई चीज है यार। हाँ यार। मीना जी, मीना जी कौन हो तुम? मैं नफीसा, ये हफीसा, मेरा मतलब मैं परदेसी थी मैं। पर तुम यहाँ कैसे आए? लकमा देकर। राजा और जया दोनों वहाँ पे इंतजार कर रहे थे आपका। पर मैं क्या बात है बेटी? माँ अजय और राजा मेरा इंतजार कर रहे हैं, मुझे प्लीज जाने दो ना माँ। लेकिन बेटी तू कैसे जा सकती है, नीचे इतने पहरे लगे हुए हैं। माँ जी बुरका किस दिन काम आएगा? हाँ माँ प्लीज माँ, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है माँ। माँ इससे अच्छा मौका मुझे मिलने वाला नहीं,
मेरी अच्छी माँ, मेरी प्यारी माँ, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, तेरे पांव पकड़ती हूँ। ठीक है बेटी, तू जा, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। जल्दी करो, टाइम बहुत कम है जी, जल्दी करो। बेटी अपना ख्याल रखना बेटी। माँ, I love you माँ, thank you माँ। चलो जी। अजय, तुम ठीक तो हो ना? हाँ राजा। राजा, हाँ। तुम मीना को लेकर मंदिर पहुंचो, मैं पंडित को लेकर आता हूँ। ठीक है, जाओ। ये लो। चलो। अभी तक आया क्यों नहीं? इतनी देर हो गई, अजय अभी तक नहीं आया। लगता है अजय आ गया। हो रहे हैं दोनों। ये तो विकी के गुंडे हैं। अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, उधर है वो। चलो चलो जल्दी, वो जा रहे हैं। के मौके पर किसी गैर मर्द के साथ भागते हो, तुझे शर्म नहीं आई? शर्म? शर्म क्या होती है जानते हैं आप? शर्म का मतलब समझते हैं? अरे अगर आपको शर्म होती तो अपनी बेटी को किसी अरे गहरे के हाथ नहीं बेच देते। अगर बेचना ही है तो सरे बाजार जाकर अपनी बेटी को नीलाम कर दीजिए, शायद वहां आपको इस बेईमान से भी बड़ा खरीदार मिल जाए। अपनी जबान को लगाम दे। अगर तुम में जरा भी गैरत है
तो अपने दिमाग से मेरे साथ शादी का ख्याल निकाल दो। शादी तो तुझसे ही होगी, अभी और इसी वक्त। बुलाओ इसकी माँ को। अगर तुझे अपनी माँ प्यारी है तो 10 मिनट के अंदर दुल्हन बनकर नीचे आ जाना, वरना हम तेरी माँ को गोली से मार देंगे। समझ गई? रोती रहे, तेरी तकदीर में रोना ही लिखा है। बेटी करोड़पति के साथ ब्याही जा रही है और यहाँ सुबह आ रही है। काश मेरी 4 बेटियां होती, 4ों करोड़पतियों को ब्याह देता और मैं शहर का सबसे बड़ा करोड़पति बन जाता। तकदीर खराब है। साला मुझे मरने आया था। अरे बाप रे, जिंदा है, भागो। आसानी से मरने वाला नहीं, अभी तो तेरी आंखों के सामने राजा और मीना की शादी करानी है। चल। पंडित,
शादी की तैयारी करो। अजय, 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 ये सब कैसे हो गया? मीना, जाओ जाके शादी के मंडप में बैठ जाओ, वक्त बहुत कम है मेरे पास। नहीं, मैं इस हालत में शादी नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। मीना, ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि तुम दोनों की शादी मैं अपनी आंखों से देखूं। जाओ। राजा, देर मत करो। जाओ। मुझे माफ कर दे बेटा, मुझे माफ कर दे। वो मुझे लालच लड़ना कर दिया था, मुझे दौलत की लालच लड़ना कर दिया था। मैं अपने पराओं को बचाना भूल गया था। मेरे बेटी का सुख जला डाला, मैंने अपने घर की शांति डाला डाला। मुझे माफ कर दे बेटा, मुझे माफ कर दे बेटा, मुझे माफ कर दे बेटा। अजय, आंखें खोलो। अजय, अजय, तुम हमें ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। अजय, तुम हमें आशीर्वाद नहीं दोगे? आंखें खोलो, तुम्हें मेरी कसम।